बॉयज एंड गर्ल्स, जिन जिन को मर्दाना कमजोरी उसके लिए मुझे दुकान मिल गई मर्दाना चाहिए। चलो भाई चेक करें, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मैं अपने लिए चूड़ियां देख रहे हैं। जिस दुकान में गलती से एंटर हो जाओ ना, आंटी पकड़ के बैठ जाती हैं, कहती बेटा अब आए हो तो कुछ ले जाओ, प्लीज ले जाओ कुछ। हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, सॉरी गरीबो, शिकागो आया हूँ। अब हम आए हुए शिकागो, मैं और मेरी वाइफ इस वक्त, ठीक है, फेस्टिव टाइम चल रहा है इस वक्त ना यहाँ पे, क्रिसमस वाला, और यू नो सारा मतलब कि सबको छुट्टियां ही होती है, सारे एंजॉय करने आए होते हैं, तो हमने सोचा हम लोग भी शिकागो आ जाते हैं। हाँ, बड़ा टाइम हो गया व्लॉग बनाए हुए यार। कभी कभी ना मैं ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा सा दिल नहीं कर रहा होता मेरा ना यूट्यूब पे, तो फजूल के व्लॉग डालने का दिल भी नहीं करता। अभी सीन ये है कि अभी हम निकले, हमने जाना है एक ब्रेकफास्ट वाली जगह पे खाना खाने, नाम उसका अंकल माइक्स प्लेस, जाके अंकल माइक के हाथों का खाना खाएंगे हम। उसके बाद फिर हमने शाम को चाइना टाउन भी जाना, तो चाइना टाउन में पहले भी व्लॉग में गया हूँ, लेकिन इस दफा अपनी बेगम के साथ जाऊंगा जो फिलहाल मेरे से नाराज है। ये भी पहले व्लॉग में हुआ हुआ। हाँ भैया, सीन ये है कि हम आ गए हैं अंकल माइक की जगह पे, बड़ा शेडी सा रेस्टोरेंट है, लेकिन अंदर जाके पता चलेगा, पता नहीं कहाँ ले आओ, वही ना कर ले अंकल माइक। फिजिकल मेन्यू की आदत है यार, क्यों हर जगह पे स्कैन नहीं कर देते हैं, स्कैन करके मेन्यू देखो। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, बड़ा कोजी सा रेस्टोरेंट है, अब चेक करो जरा, यू नो माहौल यहाँ का, मतलब फुल जैसे अमेरिकन मूवीज में नहीं होता, और बड़ी होल इन द वॉल जगह है, एक ही है, वन ऑफ इट्स काइंड, और यू नो बिल्कुल अंदर एक दरवाजा था, उसे एंटर हुए तो पूरा रेस्टोरेंट आ गया। क्या जगह है, इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री सूप भी दे दी है, मैंने पूछा भी नहीं इनसे। वो यार ये तो बहुत टेस्टी है, अगर मैगी नूडल आप किसी मिशलन स्टार रेस्टोरेंट में खा रहे हो, टू मच टेस्ट कमिंग, मजा आ रहा है, टेस्ट इज कमिंग। माय गॉड बॉयज एंड गर्ल्स, हमने ऐसी मजे की स्टेक नहीं देखी होगी, इतनी जूसी है ना, अभी लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही तो इतनी जूसी नहीं लग रही है, हॉट सॉस पे हॉट सॉस डाल रही है उधर, बाद में शिकायतें आएंगी मुझे कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। 10 out of 10। चाइना टाउन में हम सीधा आ गए दोपहर के टाइम पे ना, तो जैसे आप देख सकते हैं शिकागो के चाइना टाउन है, हर चीज चाइनीज में लिखी हुई है, ठीक है, आपको हर जगह पीले पीले लोग सॉरी मतलब कि यू नो चीनी मीनी नजर आ रहे होंगे, और ये देखो ये चाइना की थीम पूरी बनी हुई है, तो हम दुकानों में भी घूमते हैं और आपको लेके चलते हैं। रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा हैं, यू नो सस्ते भी हैं, ज्यादा महंगे नहीं है। फिर यहाँ पे वो वाली शॉप्स होती हैं जहाँ पे यू नो NML चीजें पड़ी होती हैं, और यू नो सुवेनियर शॉप्स होती हैं। देखें क्या मिल रहा है अंदर, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये अच्छा है वैसे, मैं कर्ज के साथ बॉन्ड हुआ था कि लड़कियां मुझे देखेंगी, बहुत मुश्किल है इस तरह जीना, तुम्हें पता नहीं है भाई, ये नर्ड्स की पैराडाइज आ गई, ये देखो इतना बड़ा पिकाचू, तुम्हारे साइज इतना है, तो कह रहा हूँ इससे कोई बंदा ले जाए, हमने ना घर पे शेल्फ बनानी है बॉयज एंड गर्ल्स, उस पर ना चीजें रखनी है। ये बहुत बुरे लगते हैं यार, ये गंदे मंदे, इनको तो पूछते हैं, मिनिएचर हाउसेस पड़े हैं, मैं वो रखने है। ओ, ये तो असल है यार, मुझे पसंद आया काकाशी वाला। बॉयज एंड गर्ल्स, जिन जिन को मर्दाना कमजोरी उसके लिए मुझे दुकान मिल गई मर्दाना। नहीं नहीं, जितनी इंडिया में कॉमन है, नीम का पत्ता कड़वा है, कहाँ गई मर्दाना कमजोरी वाली दवाई। ओ यार क्या हो गया, मजाक करो, मेरे को काय की कमजोरी, मैंने ना असल में वो गटर लाइन निकाल ली है मोहल्ले की, ये हमारा खानदानी काम है। रिंग्स तो बहुत अच्छी है, ये लो पहन लो, डायमंड रिंग तुम्हें, चलो ये वाली पहन लो, किसी को क्या पता चलेगा, दोस्तों को शोकिया मारना। मुसा ने मुझे इतना बड़ा डायमंड दिया। देखो बॉयज एंड गर्ल्स एक और दुकान है, मुझे कितना अच्छा लगा है वाला, आओ अंदर जाके देखते हैं, कितने वीडियोस होते हैं जापानी लोग, वो देखो वो अच्छी वाली मिकासा थी, उसके साथ क्या किया उन्होंने, लोग मिकासा को देखते हैं यूं घूम घूम के मारी होती टाइटन्स को, उन्होंने उसे वो देखो जरा, जो पूरे बनाए हुए भी है उसके, पूरे बनाए हैं उस पर पूरी उन्होंने यू नो डिटेलिंग खताती की है, कितने ही ठरकी होते हैं लोग। स्नोर लैक्स रखना, ऐसे तो तुम्हारे कुछ दोस्त कंट्रोल वो देखा, फिर फिजा बंदा लेके जा रहा था इतनी बड़ी डॉल लंगी यहाँ से, बाद में तुमने कहा परवर्ट्स होते होंगे, पीछे बंदे देखा, बंदे ने हाथ में डॉल पकड़ी नंगी वाली, अभी तुम्हें पता है क्या करना घर जाके उस तकिए के साथ, बस तुम्हें क्या पता है मर्दों की आजकल मजबूरियां हैं बेचारे। अभी आप कह रहे हो मैंने भी लेना है, मैं तो शोल लगा रहा हूँ, पागल हो तुम यार, मेरे इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए। शुरिकन देखो ये बहुत भारी है, अब ढांचों को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, ढांचों की भी प्रॉन आ गया, लव नेवर डाइज, ओह माय गॉड दिस इज डीप, ऐसे ही लेना चाहिए मैं। ओ वैसे बाय द वे तुम और मैं थे शादी में, ऐसे ऐसे बाल बने हुए थे मेरे, देखो ये नेम इज मूसा ओनली। भाई वाह, एक और दूसरी दुकान में आ गए, ये तो ये देखो पिरामिड्स वाली बिल्ली है, ये मेरी कैटो, ये देखो फिर ये देखो, आई मीन हम ये लेके तो नहीं जा सकते,
$175 नॉट सो बैड बॉयज एंड गर्ल्स जी मुझे घोड़ा बड़ा पसंद है मैं घोड़ा ले रहा हूं लेट है सिंगल सीनी हम ना होटल में वापस जा रहे हैं फिजा की थोड़ी एनर्जी डाउन हुई हुई थी इस वक्त तो हमने कहा तो जाते हैं फिर ना उसके बाद हम जाएंगे डिवॉन स्ट्रीट डिवॉन स्ट्रीट है जहाँ पे देसी वाली मार्केट नहीं होती कपड़े लगे थे देसी दुकानें तो ये मैंने ना और चीजें ली हैं दो ना इन द मीन वाइल तो आपको दिखाता हूँ अब आप कहोगे कितना नर्ड है लेकिन कोई बात नहीं देखो तीर पकड़ के खड़ा क्या बात है डिजीमोन वाला अब लोग कहेंगे यार ये मूसा भाई क्या कर रहे हो आप लेकिन यार देखो कितना कूल है यार ये वो स्पीकिंग टू मी यू नो आई वाज लाइक आई हैव टू गेट दिस घर में अच्छा लगेगा सारे पूछेंगे कहाँ से लिया है आपने नहीं आई लाइक इट दिस इज वेरी कूल लॉक कंटिन्यू करने से पहले मैं भूल गया बॉयज एंड गर्ल्स चैनल को सब्सक्राइब आपने करना सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ठीक है भूल जाते हो आप लोग बार बार एनीवेज हम आपसे मिलते हैं फिर डिवॉन स्ट्रीट पे सीनियम डिवॉन स्ट्रीट पे आ गए डिवॉन स्ट्रीट पे फोर्ट्रेस ऐसा लग रहा है बंदूखान बॉयज एंड गर्ल्स सीनियर अभी हम बंदूखान पे हैं इस वक्त ठीक है तो है हमारे भाई ये लास्ट टाइम भी हम इनसे मिले थे हमने नाम तो बताया तारुफ नहीं कराया था नयान भाई ने हमसे टिप्स पूछी थी जिम की मैंने इनको अपने चैनल पे लगा दिया मैंने कहा जाओ सब्सक्राइब करो जागरा मेरे कहा सबको बताना जागरा तुमने बताया भी भाई मैंने बताया बस गुड है यार थैंक यू यार बस फैलाओ वर्ड फैलाओ ठीक है पूरे शिकागो में भाई का नाम होना चाहिए यार फिर वो चाय का कर रहे हैं ऑर्डर ना वही दूध पत्ती जो है आपकी यार वैसी बनाना मजे की मजा आ गया था लास्ट टाइम कैसी लग रही तुम्हें देसी वाइब पहले बताओ पाकिस्तान आ गई लेकिन नहीं पाकिस्तान वाली फीलिंग नहीं आती नहीं यहाँ के जो देसी है ना वो वाला सीन बंदूखान में जा रहा हूँ तो वो कोटा जो होता है आपके दरवाजे अब तुम यहाँ पे कोड़ा कहाँ से लाके दे मेरी वाइफ कह रही है कि यार वो देश बंदूक खान ना लाहौर वाली फील नहीं आ रही पाकिस्तान में क्या क्यों कहती वो कोड़ा नहीं है आप लोगों के पास दरवाजा खोलता करो यार कैसे अरेंज उसे वो कोड़ा लेके हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स फाइनली चाय आ गई अब ये है प्रॉपर दूध पत्ती लाहौरी चाय ठीक है जिसके लिए हम दोबारा ट्रक कड्डो वाली चाय होती है ना उस तरह की ये पी के ना मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी बड़ी लेकिन 3 बजे तक गेम खेला था क्या करूँ यार जिंदगी में थोड़ा एंजॉय भी तो करना होता ना ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स कैसा नजारा है बाहर डिवॉन स्ट्रीट के व्यूज हैं बारिश हो रही है साथ आपकी बीवी है लेट मी रीफ्रेश आप बारिश में बैठे हो डिवॉन स्ट्रीट पे साथ आपकी बीवी बैठी हो ठीक है और गरम गरम चाय की प्याली हो देसी माहौल है हर जगह उर्दू बोलने की आवाजें आ रही हैं जिंदाबाद पुत्र मजा आ गया चाय की एक सिप लिया मेरे चारों तबक रोशन हो गए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रक अड्डे वाली बाकी चाय यार मेरी नाक में घुसा दो ये फिर हम दीवान स्ट्रीट में बाहर फिर रहे हैं ये देखो फिजा की शादी का ड्रेस वैसे बुरा नहीं है लेकिन थोड़ा लग रहा है कि गांव की किसी लड़की का ड्रेस होता है ना अच्छा मुझे समझ नहीं आती वैसे आई एम सॉरी टू से देसी कल्चर में हम इतना छुपाते हैं लड़कियों को फिर शादी की ड्रेस में तुन्नी वाले ड्रेसेस कहाँ से आ जाते हैं मतलब थोड़ी सेंस नहीं लेकिन देसी पाकिस्तानी वेडिंग्स में मैंने इतने देखे लड़कियों के पेट पड़ों करके बाहर निकले होते हैं उर्दू ध्यान से बोलनी पड़ेगी पश्तो में वालेकुम हाउ आर यू देख रहे हो आज मैं अपने लिए चूड़ियां देख रहा हूं अच्छा अच्छा घुंघरू भी दे देना प्लीज सर बनने का शौक है पहनती तो है होनी तुम देसी कपड़े नहीं पहनते कहीं नहीं कभी कभी पहनते नहीं लाहौर से अच्छा हमारे ओनर भी लाहौर से ही है अच्छा पंजाबी बोलते हैं आप भी हाँ जी बोल लेते हैं जो बोलनी होती है ये उनको दिखाएं ये देखो बेटा आपकी चॉइस होना तो उनको पसंद आएगा बेटा इधर आओ ये देखो सुंदर सुंदर सा ड्रेस आप भी सुंदर हो लेके जाएगा वन ड्रेस फॉर द सुंदर ये उसके पास असल में ना आंटी पड़े बहुत है बट ऐसे नहीं होते लोग वहाँ से भी यहाँ आते हैं बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे ना फिरना इतना मुश्किल है दीवान स्ट्रीट पे अभी मैंने ये पहनी हुई बारिश हो रही है जिस दुकान में गलती से एंटर हो जाओ ना आंटी पकड़ के बैठ जाती है कहती बेटा अब आए हो तो कुछ ले जाओ प्लीज ले जाओ कुछ आ जाओ ले जाओ नहीं, आप ले लो चूड़ियां मैंने कहा आंटी शर्म करें क्या बातें कर रही है नहीं नहीं आप अपनी बीवी के लिए ले लो ना पता नहीं मतलब कि अजीब इंटरेक्शन हो रही है भाई जाने ही नहीं देते यार मैं क्या करूं मैं ना सॉफ्ट स्पॉट है आंटियों के लिए देसी आंटियों के लिए ना तुम लोगों तो लड़ने की आदत है आपस में ये बात है दूसरी यार जिस दुकान से गुजरो ना आंखों में आंखें डाल के देखता है कि आ जा हमारी दुकान में बड़ा कंपटीशन है भाई यहाँ पे क्या करे बंदा फिजा को फाइनली स्लांटी मिल गया तो फौरन घुस गई दीवार में दीवार क्यों दुकान में हैं ओए होए होए $1.5 के कुरकुरे ₹10 के होते थे ₹20 इंडियन वाले हैं ये पाकिस्तानी इसलिए गंदे हैं फेक लग रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स सीनियर व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रहे हैं ठीक है आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में अभी फुल यहाँ पे रश हो रहा है और मैंने अभी ड्राइविंग करके ना घर जाना है हमने वापस होटल में मतलब अपने एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स वीडियो पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब करना है चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना इससे अपनी स्लांटी खाना रोक लो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आप लोगों ने ठीक है बहुत सारा प्यार दें हमें हम भी आपको बहुत सारा कॉन्टेंट देंगे इंशाल्लाह विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग Drinks on me.